ज्यादा लोग पूरी दुनिया में इतने बड़े देश में गरीब पता है क्यों है? हमें गंगोत्री पे चोट करना ही अच्छा लगता है। अमीर जिस काम से बनते हैं हमें उसी काम से नफरत है। अमीर बनने का एकमात्र फार्मूला है आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेच के 10 फिल्मों में जितना पैसा नहीं कमाता उतना नवरत्न तेल में कमाता है। 50 फिल्मों से जितना रुपया नहीं कमाया उतना बिनानी सीमेंट को बेच के कमाया। बेचे बिना नहीं कोई हो सकता। सचिन तेंदुलकर ने बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, जिंदगी में जितना कई मैचों में नहीं मिला उतना बूस्ट ने दे दिया, जितना कई मैचों में नहीं मिला उतना MRF के टायर वालों ने दे दिया। जिंदगी में ध्यान रखना, बेचे बिना अमीर नहीं बन सकते। और अमीर लोगों के DNA में एक चीज है, उनको प्रमोशन करना अच्छा लगता है, खुद का अपने बिजनेस का, खुद का अपने प्रोडक्ट का, खुद का अपने बिजनेस का। और गरीब लोगों को प्रोडक्ट बेचने में से लगता है अरे ये क्या हो गया, इसके माइंड में अच्छा खासा था तेल साबुन बेचने लग गया। ये गरीब लोगों की बातें हैं, इन पे दया करो बेचारों पे। मार्केट में आपको कई कहते हैं ना तू ठीक तो है, तू तेल साबुन बेचने लग गया। देखो भारत की टेंडेंसी, या तेल साबुन बेचने वाला उनको बेवकूफ लगता है। देखो आप गरीबी की रगे कितनी मजबूत है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत है। देखो आप क्या बोलते, तेल साबुन बेचता है तू तो अच्छा खासा नौकरी करता था। ये नौकरी को तो कह रहा है अच्छा खासा करता था, और तेल साबुन बेचने को तू तेल साबुन। बाई डिफॉल्ट गरीब है हम, हमारे सॉफ्टवेयर में गरीबी डली हुई है। क्यों? यहां बेचने को गलत समझा जाता है। अब गलत समझा कौन जाता है, जो ज्यादा है वही समझेंगे। तो 84 करोड़ लोगों का तो यहां आता पता ही नहीं है, जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट नहीं, कुछ जिंदगी में कर गुजरने का तरीका ही नहीं। नहीं, भारत में गरीबी हो ही नहीं सकती इतने बड़े देश में जिसमें 125 करोड़ लोग हों। अरे वहां घर घर में रोजगार हो सकता है अगर बेचने के ऊपर आदमी आए और अपने स्किल्स और अपने हुनर पे आए तो। ये सोच से गरीब है। क्यों? गंगोत्री पे चोट कर दी, बेचना ही उसको बेकार लगता है, और बेचे बिना कोई अमीर बन नहीं सकता। ध्यान रखना जिंदगी में ये कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में कभी पीछे मत हटना, चाहे लाख लोगों के बीच में हो। अभी ये महेंद्र जी वहां हिसार गए थे, ब्यूटी पार्लर कॉन्फ्रेंस थी बहुत बड़ी 5-स्टार होटल में। इनका नंबर आया कॉन्फ्रेंस ब्यूटी पार्लर की, नंबर आया और हिसार की 5-स्टार होटल में अपने एलिमेंट्स की गूंज गुंजा दी इन्होंने जबरदस्त तरीके से, तूफान मचा दिया वहां पे क्रीम्स और अपने प्रोडक्ट्स का। कभी पीछे मत हटना अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। अमीर बनने वाले लोग अपना और अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। माइंड क्या एक्शन लेगा इस घटना से, माइंड क्या एक्शन लेगा? जो भी बेच रहे हो उसे प्रमाणित करके उससे मोहब्बत करो। जो